रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, इट वाज नॉट अ नॉर्मल गेम टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कि मैड्रिड चीज़ कैसे करती है, ये लोग क्या करते हैं, बट समहाउ मैड्रिड डिड इट अगेन। 4-3 गेम का फाइनल स्कोर था, और सच में 4-3 बताता नहीं है कि पूरे मैच में एक्चुअली हुआ क्या। ये मैच कम से कम सिटी को 5-0, 6-0 या फिर 6-1, मे बी 6-2 ये ख़त्म होना चाहिए था गेम कम से कम, लेकिन 4-3। और इसकी वजह से मैड्रिड के पास एक हाई चांस है सेकेंड लेग के अंदर क्वालिफाई करने का। तो चलो अगर टेक्निकल की टेक्टिकल बात करें कि मैच कैसे निकला, तो अगर अपन सिटी की बात करें तो सिटी के पूरा वाइट गेम वाइड खेलना चाहती थी। सिटी को पता था कि कैसे खेलना है, कि उनको मैड को फैलाना है और फिर मिड वे स्पेस बनानी है और वहाँ पास डाल के उनको वहाँ से चांस क्रिएट करना है। इसलिए डिब्रायना मोस्ट पूरा गेम, लगभग पूरा क्या, काफ़ी हद तक अपना गेम वाइड लाइन पे खेल रहा था, और पीछे आगे मिड में बहुत कमी जा रहा था, एकदम बीच में मिड के अंदर, नहीं तो वाइड लाइन से खेल रहा था। फोर्डन वॉज एक्सेप्शनल। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी फोर्डन का मूवमेंट देखोगे तो उसका मूवमेंट था, वो डिफेंस लाइन और मिड लाइन के बीच में रह रहा था। इस चक्कर में वो उसके आगे जो वाल्वर्दे था जो मिड में खेल रहा था, जिसको हाई प्रेस करना था, वो यूजुअली करता है भाग के, तो फोर्डन के चक्कर में कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो फोर्डन को छोड़ देता तो फोर्डन को फाइनल थर्ड पास मिल जाता। तो फोर्डन ने मिडफील्ड को भी होल्ड कर रखा था अपनी पोजिशन की वजह से। गैब्रियल जीसस वॉज एक्सेप्शनल एट सम पॉइंट। जैसे उसका जो गोल था वो वैसे तो मिले था, वो ब्लंडर था, पर फिर भी वो एक आउट ऑफ नोवेयर वो गोल उसने क्रिएट किया, उसने गोल मारा। सो और जो पहला गोल था डिब्रॉयना वॉज एक्सेप्शनल ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल। मतलब उसका विजन, उसको हर वक्त पता होता है कि कौन सा प्लेयर उसकी टीम का कहाँ पे है, उस सामने टीम का कहाँ पे है, उसको स्पेस का इतना तगड़ा अंदाजा है। जो पहला गोल था जो महारेज ने क्रॉस डाला था, वो डिब्रॉयना कहाँ से रन आगे बना के उसने अंदर कोई गोल मार दिया। तो जो पहले तो बोलते इतनी जल्दी हो गए, और सही बताऊँ तो वो मैड्रिड की डिफेंस की मिस्टेक थे, पर हाँ अगर मिस्टेक भी कह सकते हैं, लेकिन अपन को ऐसे भी देख सकते हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी के उन प्लेयर्स की एक्सेलेंस थी, कि उन्होंने उस वक्त उस मोमेंट में वो चीज़ करी और उसको गोल में कन्वर्ट किया। टोटल टेक्निकलिटी की बात करें तो सिटी वॉज फार सुपीरियर ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल ऑफ ऑन द मैड्रिड। बट यार मैड्रिड में को समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे करती है, क्योंकि ये चीज़ कंटिन्यू होती आ रही है पीएसजी के खिलाफ, चेल्सी के खिलाफ और अब सिटी। मतलब तीनों गोल देखा जाए तो आउट ऑफ नोवेयर मारे हैं मैड्रिड ने। जो पहला गोल था बेंजेमा का, वो मेंडी ने क्रॉस किया और वहाँ से मतलब किस पोजीशन में उसने बस शूट मारा और वो बॉल गोल के अंदर चली गई। ये बेंजेमा की, ये कह लो कि आप अभी जो उसकी, सही बताऊँ तो बेंजेमा स्किलफुली भी इतना तगड़ा नहीं है इस वक्त जितना वो मेंटली है। उसका मेंटल लेवल इस वक्त बहुत अलग है, वो कॉन्फिडेंस के बहुत अपने चरम सीमा पर है कॉन्फिडेंस की। इसलिए यही रीज़न है कि वो बेंजेमा से खेलता है। मतलब अगर आप मैड्रिड का गेम देखोगे तो जो फर्स्ट लाइन जो थी मैड्रिड की, विनीशियस और बेंजेमा वाली, वो बहुत हाई प्रेस कर रही थी, जैसे कि क्योंकि वो लोग, इनको पता है कि ये लोग सिटी को टेक्निकली तो डिफीट कर नहीं सकते, तो ये लोग मिस्टेक सूंघ रहे थे कि कहाँ मिस्टेक करेगी सिटी। और ये लोग मिस्टेक हाई प्रेस अपना मिड में भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि फोर्डन की वजह से जो जिसे वाल्वर्दे आगे हाई प्रेस नहीं कर पा रहा था, और क्रूस और मॉड्रिच से अपन हाई प्रेस एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्रूस का गेम वैसा है नहीं ना मॉड्रिच का, क्योंकि मॉड्रिच एज ए क्रिएटर खेलता है। लेकिन विनीशियस और बेंजेमा वो हाई प्रेस कर रहे थे, जैसे आपने अगर बीच में देखा होता, एक दो बार विनीशियस ने फाइनल थर्ड में बॉल ले भी ली थी डिफेंडर से, और जिसमें चांस क्रिएट हुआ था, और बेंजेमा एक दो बार बेंजेमा ने भी फाइनल थर्ड में बॉल ली थी, और बेंजेमा का तो पता ही अपने को कितने फाइनल थर्ड में बॉल छील के गोल मारता है। तो इनका यही गेम था कि फाइनल जो ऊपर की लाइन थी वो हाई प्रेस कर रही थी और मिड वाली इतने प्रेस नहीं कर रही थी, और डिफेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि जितने उन्होंने मिस्टेक्स करी वो उन्होंने गोल खाए हैं उसके अंदर। जैसे कारवाहाल, उस तरह से पूरे अटैक बनी रहते। कारवाहाल तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं किस लिए वहाँ से कोई अटैक रोक नहीं पा रहा था। मिलिताओ ने वो सेकंड गोल वाला ब्लंडर किया था। अल्बा भी अपने टॉप पर नहीं था, और नाचो वॉज ओके ठीक है। टेक्निकली मैड्रिड ऑफ द बॉल और विद द बॉल वॉज नॉट दैट ग्रेट। मतलब पूरे गेम में वो लगभग डेड ही थी, बस हाँ बीच बीच में कुछ मोमेंट्स थे जो मॉड्रिच और बेंजेमा वगैरह है, जैसे विनीशियस वाला जो गोल था, जो विनीशियस ने फेंक दिया था फर्नांडिनियो को, और उसके बाद उसने गोल मारा, उससे थोड़ी देर पहले ही विनीशियस को सेम बॉल मिली थी और फर्नांडिनियो ने बॉल आगे जीत कर और वो आगे जाके असिस्ट किया था जो फोर्डन ने गोल मारा था। तो मैड्रिड के अधिकतर सारे गोल थे, तीसरा तो पेनल्टी थी और बाकी एक बेंजेमा वाला और एक विनीशियस वाला, ये सब मिस्टेक्स या फिर एक बहुत ही वहाँ वो मिस्टेक सूंघ के गोल मारने वाला सीन था इनका, कि उन्होंने तीन गोल वैसे ही मारे। और मैनचेस्टर सिटी ने जो गोल मारे वो सारे टेक्निकल सुपियोरिटी या फिर उनकी जो क्रॉसिंग थी उसकी वजह से मारे। पेप गार्डियोला
जानता था कि उसको ये गेम ख़त्म करना था यहीं इसी मैच फर्स्ट लेग के अंदर ही, और वो उसके लिए मुश्किल हुआ क्योंकि अगर अपन सेकंड लेग की बात करें तो अभी रियल मैड्रिड लालीगा जीत चुकी है, उसको एक ही पॉइंट चाहिए, तो अपने अपने की प्लेयर्स को जो खेलेंगे सेकंड लेग के अंदर उनको भी लालीगा में रेस्ट दे देगी जिस कमिंग मैच के अंदर। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का जो प्रीमियर लीग चल रहा है अभी, वो लोग वैसे एकदम नेक टू नेक खेल रहे हैं लिवरपूल से, तो वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दे सकती, नहीं तो वो वहाँ पर भी हार सकती है अपनी प्रीमियर लीग। तो सेकेंड लेग में ऑफकोर्स सिटी एक ऐसी टीम है जो मेडू कभी भी 4-0 5-0 रौन सकती है, और सेकेंड लेग में भी रौन सकती है, नो प्रॉब्लम, शायद रौन भी देगी, पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो दूसरे भी अपने कंसिडर करने पड़ेंगे जो मेडिट को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे कि मेडिट का एक ऑफ गार्ड पकड़ने वाला सीन, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अब जो सेकेंड लेग होगा उसके अंदर मेडिट के जितने भी प्लेयर्स होंगे की वाले, जैसे मॉड्रिच हो गया, क्रूज हो गया, बेंजेमा, विनीशियस, ये सब मे बी इस पे लालीगा में इनको रेस्ट मिल जाए तो वो लोग फ्रेश लेग की तरह आएंगे, पूरे फ्रेश होंगे तो पूरी इंटेंसिटी से खेल सकते हैं, और यही इंटेंसिटी काम आती है मिस्टेक्स बनवाने के लिए। क्योंकि जब आप एकदम से किसी मोमेंट के बहुत इंटेंस होते हो ना किसी मोमेंट के अंदर, तो सामने वाला मिस्टेक कर सकता है और आप उस मिस्टेक का फ़ायदा कर गोल मार सकते हो। तो अगर अपन लिवरपूल और विलारियल वाली बात की बात करें तो यार सही बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि लिवरपूल स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है इन चारों में से इस बार के लिए, क्योंकि लिवरपूल बहुत इस वक्त अपने बेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, और अब सदियों माने, मुझे नहीं पता कि लोग सदियों माने के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, सदियों माने हैज़ मोर प्रेजेंस ऑन द फील्ड देन मोहम्मद साला, इट्स बिकॉज ही इज़ ग्रेट विदाउट द बॉल टू। अगर आप मतलब उस क्या उसकी प्रेसिंग देख लो, आप उसकी प्रेसिंग देख लो, आप उसकी पासिंग देख लो, वो ड्रिबल भी कर लेता है, स्पेस क्रिएट कर लेता है, डुअल जीतता है, एरियल हो, लैंड हो, वॉट एवर, फिनिशिंग एक नंबर है उसकी, दूर से भी गोल मार देगा। आई डोंट नो, ही हैज़ मोर प्रेजेंस देन मोहम्मद साला ऑन द फील्ड। मोहम्मद साला इस गेम में बहुत शानदार था विद द बॉल, मतलब जो सेकंड गोल था वो तो पूरा मोहम्मद साला ही क्रिएट किया था उसने, चार जनों के बीच में पास रिसीव करके और जिसने नेटमक करके उसको पास दिया सदियो माने को, और वो गोल था। बीच में उसने सदियो माने को एक पास भी दिया था जिसमें सदियो माने पूरा क्लियर हो गया था और सदियो माने मिस कर दिया चांस। सो कनेक्शन के लिए मोहम्मद साला बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिबल उसके पाँव ड्रिबल बहुत शानदार कर रहा है, मतलब मोहम्मद साला अपने समझ लो अपने गेम के पीक पर, फिर भी आई थिंक सदियो माने इज़ अ हैज़ बेटर प्रेजेंस ऑन द फील्ड दैन मोहम्मद साला फॉर लिवरपूल। अगर मैं इसके बाद लिवरपूल की मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड लिवरपूल का इज़ बहुत अंडररेटेड है। रॉबर्टसन की बात करो या फिर थियागो, थियागो इज़ रियली अंडररेटेड प्लेयर। आई लव, टू बी ऑनेस्ट, आई लव थियागो द वे ही प्लेस। उसने जो सेंटर से एक स्ट्राइक मारी थी जो पोल अड़ा था वो गोल रह गया था, बाकी थियागो का प्रेजेंस ऑफ माइंड, थियागो का विजन वो, और सेकेंड चीज़ लिवरपूल सेकेंड बॉल बहुत जीतती है, फर्स्ट बॉल नहीं तो सेकंड बॉल वो लोग जीतते ही जीतते हैं। और लिवरपूल की मिडफील्ड इतना इंटेंस प्रेस करती है कि अगर मान लो उनके डिफेंस से, डिफेंस नहीं या फिर उनके अटैक से कोई प्रॉब्लम हुई, मान लो कि माने या मोहम्मद साला बॉल लेके जा रहा था और उन्होंने सामने वाले टैकल कर दिया, बॉल छीन ली, तो सेकेंड मिड इतना तेज़ भागता है कि यार बॉल को खाने दौड़ते हैं, और वही हंगर डिसाइड करता है एक प्लेयर का कि यार वो लोग कितना जीतना चाहते हैं उस चीज़ को। पूरा मैच लिवरपूल विलारियल पर छड़ी हुई थी, अगर आप उसका देखो कि शायद एक शॉट ही लिया है विलारियल ने पूरे मैच के अंदर, बिकॉज डिफेंस वॉज ऑसम, लिवरपूल का डिफेंस बहुत शानदार था, ऑन पॉइंट था, वो लोग ऑन पॉइंट टैकल मार रहे थे, बॉल ले रहे थे, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वॉज इनसेन। लिवरपूल एक बहुत शानदार चीज़ करती है कि मान लो एक फ्लैंक के ऊपर वो लोग, मान लो उनका एक प्लेयर आगे पास किया बॉल को और वो वापस पीछे पास करेगा, तो इतनी देर में जो दूसरे फ्लैंक से ना वो बंदा सेंटर से रन बनाता है और वो इधर से पीछे वाला बंदा उसके लिए बॉल डालता है लॉन्ग, और वो हेडर मार के या शूट मार के उसे गोल में डालते हैं। और ऐसे लिवरपूल ने कम से कम 5-6 चांस लगातार बनाए थे लगभग 60-70 मिनट्स के आसपास जब मैंने देखा था, जिसमें अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ही था जो पीछे से पास जा रहा था उसके हवा में प्लेयर को। शुरू में अगर गेम देखा जाए तो विलारियल शुरू में थोड़ी इंटेंस थी, जब उनको बॉल मिल रही थी काउंटर के ऊपर तो वो लोग एक अच्छी पासिंग कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, कुछ मिडफील्ड को बीट भी कर पा रहे थे, क्योंकि लिवरपूल हाई प्रेस करती है तो वो लोग पासिंग गेट के बीच में निकल भी गए थे, बट डिफेंस वॉज इज रियली स्ट्रॉन्ग ऑफ लिवरपूल, सो उन्होंने वहीं डेड कर दिया उसको विलारियल को। जैसे जैसे मैच मिनट्स में आगे बढ़ता गया विलारियल का इफेक्ट कम होता जा रहा था, विलारियल ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो प्रॉपर हार मान रहे थे, पहले वो थोड़ा क्रिएटिव खेल पा रहे थे और बाद में वो लोग वो भी नहीं खेल पा रहे थे। लिवरपूल बाद में पूरा कंट्रोल कर चुकी थी गेम को, सेकेंड हाफ के अंदर तो लिवरपूल वॉज इनसेन,
तो मैं सेकंड लेग में वास्तव में चाहता हूँ कि विलारेल कुछ करे ताकि मैच देखने में मज़ा आए, क्योंकि जब वो बायर्न को बाहर कर सकते हैं तो लिवरपूल को बाहर करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी आई गेस लिवरपूल ये टाई जीत चुकी है, पर फिर भी अगर अगर विलारेल कुछ उथल पुथल कर पाए तो मज़ा आएगा ही, देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बता सकते हो कॉमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगी या कौन नहीं जीतेगी।